अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? माना त्योहारों का टाइम है, सफाइयां करनी पड़ती हैं। हम भी बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के सफाइयां करते हैं। फिलहाल सफाइयां वफाइयां छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। हाँ, अब आराम से चाय का कप लीजिए और हम आपको हलवाई बनाते हैं ऐसे 10 मिनट में। चलिए। कॉलिंग एंड एक्शन। ओके जी, अब 3 सवाल। सबसे पहले, दूध है ना, शक्कर है ना, बेसन है ना। बस बन सकते हैं आप हलवाई, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, वो कोई भी बना सकता है दूध शक्कर बेसन के साथ। और जब बनती है तो लोग मतलब याद करते हैं सालों साल के, यार वो खाया था उनके घर पे, दिवाली पे, दशहरे पे, नवरात्रे पे, न्यू ईयर पे। फेस्टिव रेसिपी नंबर 1 कमिंग अप। ठीक है जी, आप सबने कैप्शन पढ़ लिया, फिर भी मेरा काम है मोटिवेट करना आपको। ओके, तो बूंदी की बर्फी बनाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं, रणवीर हमारे पास बूंदी वाली छन्नी नहीं है, बूंदी कौन बनाएगा, बड़ा मुश्किल है, उन सबके लिए टिपिकल रेसिपी है फॉर लेजी कुक्स लाइक मी। सबसे पहले बेसन, बेसन के बाद नमक। नमक कहाँ रखा है? देखो जी, जिन्होंने किचन सेट किया उन्होंने क्या बोला, श्वेता है हमारी, उसने बोला शेफ मीठा बना रहे, नमक की जरूरत तो है नहीं। नमक की जरूरत तो ज्यादा है, मीठा बना रहे हैं तो नमक की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि बगैर नमक के कोई मिठाई नहीं बन सकती अच्छी। चुटकी भर नमक की कीमत हर हलवाई जानता है। ओके, इसके बाद घी। घी जो है ज्यादा नहीं डालना, पर डालना है। ब्यूटिफुल। घी क्यों डालना है? क्योंकि बूंदी में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि बूंदी जो है जब हम रखते हैं थोड़े दिन, तो उसके बाद वो चूई हो जाती है, राइट, दबने लग जाती है, चूई हो जाती है, उसे खस्तापन मर जाता है। उस खस्तापन को रखने के लिए और बूंदी चूई ना हो, इसलिए शुरू में बेसन में थोड़ा घी डालना जरूरी है। अब इसके अंदर डालना है जी केसर का पानी। अब ये जो बूंदी है ना, ये बूंदी खास उनके लिए है जो बोलते हैं रणवीर ये ना हमसे नहीं होता, ये बूंदी की छन्नी लेके आओ फिर खटर 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 करो, ये भाई ये काम हमारा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये रेसिपी उनके लिए है, ये कोई छन्नी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। ये देखिए बैटर जो है वो उंगली को कोट भर कर रहा है। तो ये हो गया, अब इसको छोड़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको छोड़ना है कम से कम, नहीं तो आज से 10 मिनट। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक बना लेते हैं चाशनी। 2 कढ़ाई, 1 फॉर फ्राइंग एंड 1 फॉर चाशनी। चाशनी के लिए क्या चाहिए? दूध, 2 भाग दूध, और उसमें आप समझ लीजिए 1.25 भाग शक्कर, और उसको धीरे 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 पकाना है। देसी कंडेंस्ड मिल्क का जुगाड़ है ये। अब कुछ नहीं करना, अब जो करना है दूध शक्कर नहीं करना है, हमने हमने सिर्फ इलायची का जुगाड़ करना है और गुलाब जल का जुगाड़ करना है। गुलाब जल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूंदी की बर्फी में गुलाब जल वैसे ही चाहिए जैसे भगवान के घर पे दिया और बाती, नहीं क्या होता था दिया और बाती हम, हाँ वही वही सेम। जो ये बूंदी का बैटर है इसकी थिकनेस एक बार आप फिर देख लीजिए, 10 मिनट हो गए अभी, इतना गाढ़ा हो चुका है, देखिए चम्मच को कोट कर रहा है, परफेक्ट। अभी तेल एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, रणवीर सिंह बरार जल्दी नहीं करते। अब इसमें क्या है, आपकी बूंदी गोल नहीं बनती, नो प्रॉब्लम। आपको बूंदी बनानी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आपको पता नहीं बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, बड़ी छोटी दोनों बूंदी बनेगी, नो प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज आप कुछ तल दें इसके अंदर, ये बर्फी जो है बन जाएगी। मैंने बोला ना हलवाई बना के छोड़ूंगा मैं आपको, आप ऊपर सफाइयाँ करने में लगे। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है, जिंदगी क्या है, चंद मिठाइयों की मोहताजी तो। अच्छा, सबसे बड़ा जो चूल्हा है उसको सबसे तेज करना है। क्या है ना, बूंदी जैसे ही जाएगी तेल ठंडा हो जाएगा, राइट, बूंदी में पानी इतना है, इसलिए सबसे बड़ा चूल्हा और सबसे तेज कर लें उसको, तेल को रेडी कर लें बूंदी के लिए, ठंडे तेल में बूंदी ना डालें। अब देखिए कुछ नहीं करना, अपनी ये 5 उंगलियां जो है, 5ों उंगलियां घी में वाला आपने सुना है ना, बस 5ों उंगलियां बूंदी में सुन लीजिए आज, ये 5ों उंगलियां बूंदी में डालनी है। गैस करनी है तेज और ये लीजिए। अब ये नहीं है कह रहे हमारे पास वो बूंदी वाला पलटा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये लो जी। ठीक है,
बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, नो प्रॉब्लम, बनाते जाओ। अब बताओ, है ना फॉर्मूला सही? टेंशन लेनी, लंबी बन रही है, जैसी मर्जी बन रही है, सब यूज हो जाएगी। यही तो इस डिश की मोनोपोली है। ये देखिए, ये रेसिपी उनके लिए तो खास है जो फैसी सीजन में बोलते हैं, अरे यार क्यों उलझ रहे हो तुम लोग, मिठाई बनानी है ना, मैं बना के देता हूँ। और चुपचाप किचन में घुस के और ये बर्फी बना के निकल जाते हैं। असली चैंपियन है वो। बस मेन क्या है, जब बेसन की खुशबू आ जाए तो बूंदी हो गई। कितने मिनट, कितने टेम्परेचर पे, वो सब ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं, रणवीर आप टाइम टेम्परेचर बताते नहीं हो। मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं पता आपके घर पे गैस कितनी बड़ी है, आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। मैं तो बता दूँ टाइम एंड टेम्परेचर, लेकिन आपकी गैस ही उतनी बड़ी ना हो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए हमेशा खाने के साथ जुड़े रहें। खुशबुएँ जो है ना, वो अपने आप बता देती हैं कि मामला रेडी है। तो ये सारे नट्स चॉप हो गए, थोड़ा मैंने केसर ऊपर से डाल दिया, चाशनी जो है वो भी रेडी हो गई है, मावा यहाँ पे रखा हुआ है, मावा हम बाद में मिलाएंगे, मावा ऑप्शनल है। मैंने तीन इंग्रेडिएंट बोला है, मैं तीन इंग्रेडिएंट तक ही रहूँगा। नट्स भी ऑप्शनल है, मावा भी ऑप्शनल है। मेन चीज क्या है, मेन चीज है, समझिए ना, नहीं मेन चीज है दूध, शक्कर और बेसन। और ये लीजिए बूंदी को अब डाल दें चाशनी में। टेंशन मत लें, सब पी जाएगी। बहुत ही खुले हाथ से पकाना है इसको। ये देखिए धीरे धीरे पका रहा हूँ मैं, ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ बस, और चाशनी जो है वो अपने आप खपती जा रही है। खासतौर थोड़ी देर बाद जब बूंदी सख्त होती है तब आप फिर भी चला लीजिए, लेकिन जैसे ही बूंदी चाशनी पे लग जाए नरम हो जाएगी। आप चलाते रहेंगे, आप बनाने जाएंगे, बूंदी की बर्फी बन जाएगा, बूंदी का हलवा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था, हैंडल बड़े प्यार से करना है, बाकी गॉड इज ग्रेट। ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। आई एम प्राउड ऑफ यू रणवीर। अभी यू फोल्ड इट अगेन, ये लीजिए, अभी वापस फोल्ड किया और हो गया। क्या बात है जी, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। अब मावा यानी कि खोया अगर आप डालना चाहते हैं तो टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा, क्रीमीनेस आएगी। अगर नहीं डालना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही सेट कर दीजिए। अगर मावा है मावा डाल दीजिए, अगर मावा नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आई एम स्टिल ऑन द थ्री इंग्रेडिएंट प्रॉमिस। बड़े प्यार से फोल्ड करना, एकदम बेबी फोल्ड। ये देखिए, अब यही चीज आप सेव के साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, सेव लें, उसको ऐसे ही दूध की चाशनी में पका लें। अब अगर आप बहुत ही लेजी हैं, मतलब मेरे जितने लेजी, तो आप दूध की चाशनी में मत बनाइए, बूंदी बनाइए, कंडेंस मिल्क लीजिए, कंडेंस मिल्क में उतना ही पानी डाल दीजिए और उसके अंदर बूंदी पका लीजिए। और बताइए, अगर ट्रे नहीं है, हाँ ये बहाना भी नहीं चलेगा कि रणवीर यार ये ट्रे बड़ी महंगी है। अगर ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम थाली ले लेंगे। और अगर थाली भी नहीं है तो हम कटोरी ले लेंगे, और कटोरी भी नहीं है तो हम पड़ोसी से मांग लेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे बस। गुलाब वाला जो फॉर्मूला है मत भूलिए, इसकी जो मोनोपोली है वो गुलाब जल ही है। ये लो जी, इसको कर दो लेवल। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मतलब मूड में हैं आप तो अपनी बूंदी को फ्राई करिए देसी घी में, क्योंकि जब देसी घी में बूंदी फ्राई होगी ना तो जमेगी बहुत अच्छा, घी भी जमेगा ना ठंडा होने पे, तो टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा। अगर काली मिर्च है ना, काली मिर्च, तो काली मिर्च इस पर आप डाल देंगे, उसके बाद आप ज़िंदगी भर याद करेंगे मुझे। नहीं, अच्छे से, मतलब ऐसे गुस्से में याद नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है काली मिर्च का। काली मिर्च प्लस बेसन प्लस मिल्क प्लस घी इज इक्वल टू ब्यूटी। बम्ब बम्ब, नहीं बम्ब इन अ गुड वे, मैं बता रहा हूँ ये डिश इस फेस्टिव सीजन में आपको हीरो बना देगी। नहीं बनाया ना, पैसे वापस। ओके, अब ये जाएगी फ्रिज में सेट होने के लिए या फिर रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए, जहाँ आपकी मर्जी हो डाल दें। और अगर आप मेरी तरह बेसब्रे हैं तो फ्रिज में डालना है तो बेटर आइडिया। आ गए आज फिर बर्फी लेके, इतना भी गुस्सा। बहुत अच्छी बनी है, मूड बना दिया इसने। अब क्या है, पहले देख लो, आप तसल्ली से देख लो, देखो बढ़िया से जम गई है। मजा आ गया,
ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, नीचे जो आपने घी लगाया है उसको पिघालना भी है ना। इसकी मोनोपोली क्या है? वो गुलाब, वो जो गुलाब जल जो डाला है ना, बस उसने लगा दिए 10-12 चांद इकट्ठे। वो जब बेसन को मैंने बोला था ना कि बेसन की खुशबू आ गई मतलब बूंदी रेडी हो गई, बस अभी तक वही बेसन की खुशबू और साथ में जो गुलाब है वही इस डिश को खूबसूरत बना रहा है। अच्छा, इसको रखना है फ्रिज में, लेकिन खाने से पहले रूम टेम्परेचर पे ले आना है। फ्रिज में क्यों रखना है? क्योंकि मावा कच्चा है ना, इसमें लास्ट मिनट में डाला था, मावे को पकाया नहीं, इसलिए फ्रिज में रहेगा। लेकिन अगर आप ठंडा ठंडा खाएंगे तो बहुत रबड़ी हो जाएगी। लुक्स गुड है जी, है टेस्ट की गारंटी हमारी है। त्यौहार वाली सजावट हमने कर दी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट ढूंढने और बनाना है। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। बना दिया ना हलवाई रणजीत? अब तो हलवाई बना दिया मैंने, और मम्मी मेरे को आज तक हलवाई बोलती है, इसलिए उनके लिए मैंने डब्बा भी पैक कर लिया। बना लीजिए। सी यू लेटर।